नमस्कार। कक्षा 9 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्याय 3 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति। थोड़ा बड़ा अध्याय है और छात्रों की अच्छी तरह से समझ में आ सके इस बात का भी हमने ध्यान रखा है, इसलिए इस अध्याय को हमने कई भागों में बांटा है। आज हम इसका भाग 1 करेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले लोकतंत्र का अर्थ जान लेना जरूरी है। अध्याय 2 में हम आपको लोकतंत्र का अर्थ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चुनाव से संबंधित है इसलिए लोकतंत्र के अर्थ को दोहराना एक बार जरूरी है। सिंपल से साधारण से शब्दों में हम आपको अध्याय 2 में बता चुके थे कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी कि आपके ऊपर जो शासन करते हैं जनता जो है चुनाव के द्वारा उनको अपने प्रतिनिधियों को या ये कह लीजिए अपने उम्मीदवारों को चुनकर भेजती है और बाद में फिर ये प्रतिनिधि जो हैं वो जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। परिभाषा भी हमने आपको कराई थी। अब्राहम लिंकन ने कहा भी है लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा शासन है, मतलब इसमें सब कुछ लोगों का ही शासन होता है, लोगों के लिए होता है और लोगों के द्वारा होता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र का जो रूप प्रचलित है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या है प्रतिनिधि लोकतंत्र? प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि जब चुनाव के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन को चलाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिनिधि। सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान समय में जो लोग हैं वो चुनाव में आपने देखा होगा उम्मीदवार खड़े होते हैं और लोग इनमें से जो भी उनको अच्छा लगता है, जिसको सबसे ज्यादा वोटें प्राप्त होती है वो उसको चुन लेते हैं, वो चुन लिया जाता है और बाद में जो चुना जाता है वो लोगों की तरफ से 5 साल तक शासन चलाता है। तो जो ये व्यवस्था है जिसमें लोग अपने आप शासन में भाग नहीं लेते हैं बल्कि उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवार उनकी तरफ से शासन चलाते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था को या ऐसे लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कई बातें हैं इस अध्याय में जो बताई गई हैं। पहला है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, या आप जो अपने उम्मीदवार चुनकर भेजते हैं तो सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि लोग उनका चुनाव कैसे करते हैं, क्या वो स्तर हैं या क्या वो चरण है जिनके द्वारा ये लोग चुने जाते हैं। दूसरा, इस अध्याय में और क्या समझने की कोशिश करेंगे हम, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, चुनाव होना क्यों जरूरी है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्या बगैर चुनाव के काम चल सकता है। तीसरा, लोकतंत्र में अब तक जो चुनाव हुए हैं वे स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हुए हैं या नहीं, हमारे यहाँ पर जो अब तक चुनाव हुए हैं तो कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि फलाने उम्मीदवार ने पैसे का प्रयोग किया या फलाने उम्मीदवार ने अपने धन बल का प्रयोग किया, तो जबकि ये माना जाता है कि स्वतंत्र और चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि भारत में अब तक जो चुनाव हुए हैं वे स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हुए हैं या नहीं। किसी भी लोकतंत्र में एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं, हर तय समय सीमा तय कर रखी है। हमारे यहाँ पर अगर सभी बच्चे जानते हैं तो 5 साल के लिए चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद दोबारा फिर चुनाव होते हैं, तो नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों होती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होना क्यों जरूरी है। लोकतंत्र, हमने पीछे बताया है आपको, लोगों का, अब्राहम लिंकन ने बहुत सरल सी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा शासन। यदि सभी लोग साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तो ऐसी स्थिति में लोग चुनाव के बिना भी शासन चला सकते। हम आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होना क्यों जरूरी है। अगर हम यही कहें कि ये सोचें कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है, लोगों के लिए है तो लोगों के द्वारा है, तो यदि सभी लोग साथ बैठकर मिलजुल कर फैसले लें
तो बगैर तब तो चुनाव करने की जरूरत नहीं, फिर सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, जैसे ग्राम सभा की बैठक होती है तो सारे के सारे एक एक साथ बैठेंगे और जो भी काम होंगे उनके बारे में निर्णय लेंगे और इस प्रकार वो अपने शासन को चला सकते हैं। ये एक पहली आपको कंडीशन बताई। लेकिन लेकिन भारत जैसे एक बड़े देश में जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ है, वहाँ सभी लोगों को एक साथ बैठा पाना संभव, आप ये समझ कर चलिए कि 2000 लोगों को एक स्थान पर बैठा पाना बड़ा मुश्किल काम है, तो भारत की जनसंख्या तो 135 करोड़ है। अब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर सभी लोगों को एक साथ बैठाया जा सके, उनसे उनके विचार जाने जा सके और उनसे उस विचार पर सहमति प्राप्त की जा सके। तो भारत जैसे देश में तब अगर मान लीजिए सारे लोग बैठकर एक स्थान पर बैठकर निर्णय लें और उनका द्वारा लिया गया निर्णय सही हो, तो ऐसी स्थिति में चुनाव करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बड़े देश में जिसकी जनसंख्या करोड़ों में हो, वहां पर सभी लोगों को एक साथ बैठा पाना संभव नहीं, और ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय, आजकल समय की भी कमी है लोगों के पास। तो ये भी तो एक तो पहली मुश्किल तो यही है कि करोड़ों लोगों को एक स्थान पर बैठा पाना मुश्किल, और दूसरा ये भी संभव नहीं है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय हो, और ज्ञान भी हो, ज्ञान भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि सारे के सारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए जिन देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है वहाँ लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने उम्मीदवारों के माध्यम से शासन को चलाते हैं और इन प्रतिनिधियों का चुनाव लोग करते हैं। अब आप समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में चुनाव करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में एक बड़े देश में जहाँ पर लोकतंत्र को अपनाया गया है और जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है, वहाँ पर करोड़ों लोगों को एक स्थान पर बैठाकर फैसला लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने में से एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं और बाद में वो प्रतिनिधि उनकी तरफ से शासन चलाता है, उनकी तरफ से निर्णय लेता है, इसलिए वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लेकिन चुनाव के लिए कुछ शर्तों का होना जरूरी है, जब भी चुनाव हो लोकतंत्र में तो उसके लिए कुछ शर्तों का होना जरूरी है। पहली शर्त ये है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, ये बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ धर्म, वोट प्रदान करते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर उनको वोट देने से नहीं रोका जाना चाहिए। तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो और हर किसी के वोट का मूल्य समान हो, इसका मतलब ये है कि जो वोट की कीमत, अगर एक व्यक्ति का, अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत एक मानी जाती है, तो इसका मतलब ये है कि गरीब व्यक्ति के वोट की कीमत भी एक मानी जानी चाहिए, हर किसी के वोट का मूल्य समान हो। दूसरा है चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, विकल्प बता रखे आगे क्या है, अर्थात सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने की आजादी हो ताकि वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश कर सके। ऐसा इसमें सिंपल से अगर साधारण से शब्दों में हम आपको बताएं कि जब चुनाव हो तो सभी लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए ताकि लोग जो सबसे योग्य उम्मीदवार है, जो सबसे श्रेष्ठ उम्मीदवार है, उन 5 या 10 में से जो खड़े हैं उसको चुन सके। अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति खड़ा है तो वहाँ लोगों को विकल्प नहीं मिलता है कि तो उनको मजबूरी में उसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी जो हम कह सकते हैं इच्छा अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में वो किसको, क्योंकि ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को वो एक व्यक्ति पसंद ना हो, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति खड़ा होगा तो मजबूरी में उनको उसी को वोट देने पड़ेंगे। इसलिए चुनाव के लिए दूसरी शर्त ये है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, अर्थात सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने की आजादी हो ताकि वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश कर सके। तीसरा, चुनाव एक नियमित अंतराल पर कराए जाए, ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि एक बार चुनाव करा दिए और फिर 10-15 सालों तक उसका चुनाव द्वारा नहीं कराए गए, तो नियमित अंतराल के बाद वो अवधि जो है वो छोटी होनी चाहिए ताकि यदि लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के काम से संतुष्ट न हों तो दोबारा जब चुनाव हो तो वो उनको बदल सके। चौथा शर्त ये है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। ये चुनाव में धांधली नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, जिसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में उसी का चुनाव हुआ है। और पांचवा है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र होने चाहिए और कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को जब वोट देने जाएं तो उनको इस बात का डर नहीं होना चाहिए या उनको
डंडे के बल पर या धन के बल पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए चुनाव की जो एक महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। ये शर्तें दिखने में तो बहुत आसान और सरल लगती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां चुनाव में इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता। आपको देखने में ये बड़ी आसान लगेगी, इनका पालन करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। बहुत सारे देशों में, चाहे हमारा भारत है चाहे वो दूसरा कोई सभी देश है जहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जब चुनाव होते हैं तो आप समाचार पत्रों में, रेडियो, टेलीविजन में इस प्रकार के समाचार सुनने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं कि चुनाव में धांधली की गई है, चुनाव में पक्षपात हुआ है, कुछ लोगों के वोट जानबूझकर काट दिए गए हैं। तो इसी प्रकार तो अनेक देश ऐसे हैं जहां चुनाव में इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। भारत में चुनाव कैसे होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो भारत में जो चुनाव हैं वो कुछ चरणों में होते हैं, उनके चरण हैं, स्टेप्स हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन भारत में चुनाव कैसे होते हैं इसके बारे में जानने से पहले भारत में ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, आप इस बात को याद रखना है। हमारे यहाँ पर जो चुनाव है लोकसभा का, फिर चाहे वो राज्य विधानसभा का, कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है। जब इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो नई लोकसभा या विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव है। हमारे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। तो चुनाव के प्रकार जान लेते हैं सबसे पहले कि चुनाव के प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान से सुनना है और इनको याद भी रखना है। सबसे पहला है आम चुनाव, जिसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन, इसका नाम है, या सिंपल से हिंदी में हम कह देते हैं आम चुनाव। क्या है आम चुनाव, ध्यान से सुनना है, अंडरलाइन कर लीजिए। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे आम चुनाव है। अगर सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और जब उसका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे हम कहते हैं आम चुनाव। तो आपने याद रखना है कि आम चुनाव जो होते हैं हमेशा 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद होते हैं। एक होती है मध्य अवधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन, नाम से ही पता लग रहा है मध्य अवधि चुनाव, यानी कि बीच की अवधि में जो चुनाव करवाए जाते हैं। क्या है मध्य अवधि चुनाव, जब किसी कारण से सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और बीच में ही गिर जाती। ध्यान से सुनो आप जरा, जब हर सरकार जो है वो लोगों द्वारा 5 साल तक के लिए चुनकर भेजी जाती है, लेकिन जब किसी कारण से, कोई कारण कई हो सकते हैं, जैसे सरकार से किसी दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया जिससे सरकार का जो बहुमत था वो अल्पमत में आ गई, सरकार के पास सीटें नहीं रही, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसके कारण जो सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है, तो जब किसी कारण से सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और बीच में ही गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण है जो आपने याद रखना है कि मध्य अवधि चुनाव कौन से होते हैं, बीच में जो चुनाव करवाए जाते हैं। बीच में कब, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कार्यकाल है वो 5 साल का है और यदि किसी कारण से सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और बीच में ही गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में नई सरकार का चुनाव करने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे हम मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। एक है, एक और रह गया प्रकार, वो है उपचुनाव, जिसको हम बाई इलेक्शन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान से सुनना है कि उपचुनाव क्या होता है। पहला हमने आपको आम चुनाव कराया, फिर दूसरा मध्य अवधि चुनाव और तीसरा है उपचुनाव। अब उपचुनाव क्या है ये भी जान लेते हैं। जब किसी सीट पर, यानी कि जहां से किसी व्यक्ति को चुनकर भेजा जाता है उसको हम सीट कहते हैं। आगे हम आपको जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसमें पूरे ध्यान से दिखाएंगे भाग दो में। जब किसी सीट पर चुने गए प्रतिनिधि की मृत्यु होने के कारण, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या उसके द्वारा त्याग पत्र देने, कई बार ऐसा भी होता है कि जो उम्मीदवार चुना जाता है वो त्याग पत्र दे देता है अपने स्वास्थ्य कारण या किसी और कारण से, तो जब किसी सीट पर चुने गए प्रतिनिधि की मृत्यु होने के कारण या उसके द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उसकी सीट खाली हो जाती है तो उस सीट को फिर से भरने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं।
सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा, कई बार व्यक्ति की जो है अचानक एकदम से जो चुना हुआ है जनता का प्रतिनिधि उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस सीट को 5 साल तक खाली नहीं रखा जाता, या कई बार कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो चुना गया है वो त्याग पत्र दे देता है तो उससे सीट उसकी वो खाली हो जाती है, तो उसको लंबे समय तक खाली नहीं रखा जाता है बल्कि उसको भरा जाता है, और ऐसी स्थिति में जो चुनाव करवाए जाते हैं उस सीट को भरने के लिए उसको हम उपचुनाव कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी देना आपको ये जरूरी है कि जो उपचुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए नहीं होते बल्कि उस सीट पर जो व्यक्ति मरा है या उसका जो त्याग पत्र देने के कारण वो सीट खाली हुई है, तो जितना कार्यकाल बचा हुआ था, जैसे मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार का चुनाव हुआ और वो 2 साल का अभी कार्यकाल उसने पूरा किया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उस पर जो चुनाव कराए जाते हैं उसको हम उपचुनाव कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो चुना जाएगा वो 5 साल तक के लिए नहीं चुना जाएगा बल्कि उस सीट पर जो जितना कार्यकाल बचा था, जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल का बचा था तो 3 साल के लिए वो चुनाव करवाए जाते हैं। तो किसी सीट पर किसी व्यक्ति की या उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण जो चुनाव होते हैं बीच में जो करवाए जाते हैं फिर से भरने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे हम उपचुनाव कहते हैं। धन्यवाद, यहीं तक करेंगे। आगे हम भारत में चुनाव प्रणाली के कौन कौन से चरण हैं, कैसे चुनाव होते हैं वो करेंगे। नमस्कार।